अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सीमलवाड़ा कस्बे में निकली विशाल शोभा यात्रा, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रख सभी धर्म के लोगों ने दिया कौमी एकता का संदेश। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सर्व समाज की ओर से सीमलवाड़ा कस्बे में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। खास बात ये रही कि कस्बे में सभी धर्म के लोगों ने कौमी एकता का संदेश देते हुए अपने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे। वहीं कानून व शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुमार दाबरिया, धम्बोला थानाधिकारी राकेश कटारा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कस्बे के हनुमान मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान हुए। हनुमान जी की मूर्ति का विशेष श्रृंगार किया गया, जिसके बाद प्रभु श्रीराम की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सीमलवाड़ा, केशनपुरा, पाड़लिया, कम्बैया सहित गांवों के सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा में श्रीराम भजनों से वातावरण राममय हो गया। वहीं युवक युवतियों सहित श्रद्धालुओं ने रास गरबा भी खेला। इस दौरान विश्वास भोई, परेश पाटीदार, राजेंद्र पाटीदार, नरेंद्र सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता बिहारी लाल भोई, प्रकाश पंड्या, सरपंच विजयपाल डोडियार, महेंद्र भगोरा, रूपचंद भगोरा, पूर्व प्रधान निमिषा भगोरा, महेश सोनी, सुरेश भोई, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोवर्धन पाटीदार, मुकेश लोहार, धनेश्वर पाटीदार, भीखालाल प्रजापत, गोविंद सिंह, प्रियंका पंड्या, पृथ्वी सिंह, कांतिलाल कलाल, शंकरलाल दर्जी, देवेंद्र दर्जी, सुनील दर्जी, लाला भाई, सुथार, जगदीश पंड्या, शैलेश लोहार, अजय रावल, सुनील कलाल सहित आसपास के ग्रामीण जन मौजूद रहे। वहीं जेठला मांडली हनुमान मंदिर में भी विशेष आयोजन हुए। ग्रामीणों ने भगवान श्रीराम, सीता, लक्ष्मण की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली, जिसके बाद हनुमान मंदिर में महाआरती और भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। ईश्वरलाल पंचाल, भूलेश्वर पटेल, कालूराम पटेल, प्रभुलाल पटेल, धनेश्वर पंचाल, नटवरलाल पंचाल, परेश पटेल सहित श्रद्धालु मौजूद रहे। अरे क्या कर रहा है? अरे आई है रूम का रूम को लेने का डाक्टर ने तेरे रूम है तो आपको दर्द है ना? वही है रूम तो संदीप अरे बस दो निकाले